हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल ट्रिक्स। इस वीडियो में मैं आपको यूको बैंक के बैलेंस इंक्वायरी करने के डिफरेंट तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं मोबाइल बैंकिंग सर्विस। तो आपको क्या करना होगा, मोबाइल बैंकिंग के लिए आपको अप्लाई करना होगा। आप इसके लिए ब्रांच जा सकते हैं। मोबाइल सर्विस, मोबाइल बैंकिंग आप एक्टिवेट करवाने के बाद आपको एक एम पिन मिलेगा, उसका यूज़ करके आप अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट या फिर अपना बैलेंस जान सकते हैं। तो अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कराने के बाद जो भी आपको बैलेंस इंक्वायरी करने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको टाइप करना है UCOBL, ये टाइप करना है UCOBL। फिर क्या करना है, आपको एम पिन डालना है। जो भी है एम पिन डालने के बाद उसको किस नंबर पे सेंड करना है, 56161 इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है। या मोबाइल में भी देखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये UCOBL। फिर एम पिन डालना है जो आपका 46 डिजिट जितना भी आपको दिया हुआ है उसको सेंड कर देना है आपको 56161। तो ये था गाइज आपको मोबाइल बैंकिंग में SMS के थ्रू आप जानने का तरीका। इस तरह आप और भी जानकारी आप ले सकते हैं, जैसे आपको क्या करना है अदर अकाउंट के लिए करना है तो उसका भी जान सकते हैं आप। फॉर्मेट दिया हुआ है UCOBL, एम पिन डालेंगे, फिर अकाउंट नंबर जो भी है, जैसे लोन अकाउंट वगैरह और अकाउंट जो भी है। जैसे आप थ्री ट्रांजेक्शन का जानने के लिए क्या करना होगा, आपको TRAN करना होगा। आप जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। एम पिन डाल के चेक की स्टेटस भी जान सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट्स भी जान सकते हैं। तो ये सब डिटेल दिए हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। तो फर्स्ट तरीका ये मोबाइल बैंकिंग था। आपको सेकंड तरीका बताता हूँ मैं, एम पासबुक। आपको क्या एम पासबुक बोल के आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा एप्लीकेशन। आपको क्या करना है, उसको इंस्टॉल करने लेना है और सर्विस को आपको अकाउंट नंबर वगैरह मांग के आपको इसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आप होम पेज में अपना अकाउंट का बैलेंस वगैरह मिनी स्टेटमेंट सब जान सकते हैं, अकाउंट में देख सकते हैं आप, या आराम से अपना स्टेटमेंट जान सकते हैं। ये था घर बैठे बैठे दो ऑनलाइन तरीके। तो थर्ड तरीका, आप अगर ऑनलाइन नहीं है, सर्विस एक्टिवेट नहीं है, तो क्या क्या करना है, क्या कर सकते हैं आप, उनके टोल फ्री नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। ये दिया हुआ है टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 1800 274 0123। तो ये कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इस पे आप कॉल करेंगे तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपका कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपकी वेरिफिकेशन के लिए। उसको वेरीफाई करने के बाद आप अपना बैलेंस जान सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक है सब, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आपको बता देता हूँ फोर्थ तरीका और बेस्ट तरीका क्या है, आपका मिस कॉल के थ्रू यूको बैलेंस चेक बाय मिस कॉल। आपको क्या करना है, सिर्फ आपने जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यूको बैंक के साथ जो भी है, उससे क्या करना है आपको 09278792787 इस नंबर पे क्या करना है आपको मिस कॉल दे देना है। इस पे मिस कॉल देते हैं आपको, अकाउंट बैलेंस की इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल इनबॉक्स में आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करना है ये। अब मोबाइल में जाएंगे आप, फिर आपको डायल करना है 09209278792787। और कंफर्म कर लेते हैं, आपको क्या डायल करना है, नंबर 09278792787 इस पे डायल कर देना है आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। सॉरी, दूसरे नंबर से डायल कर दिया, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप उससे डायल कर देंगे
और आपके डायल करते हैं आपको, आपके मिस कॉल करते हैं आपको, क्या होगा, बैलेंस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस ये थे 4 तरीके आप यू को बैलेंस जानने के। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिस कॉल नंबर ही ट्राई कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है गाइस, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप बैंक में जाके करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।